देखिए, जब तक संडे रहेगा तब तक कुछ रेसिपीज रहेंगी रहेंगी, कढ़ी चावल, राजमा, छोले। संडे टेबल पे अगर छोले ना हो तो फिर काम कैसे चलेगा। आमतौर पे हम फ्राइडे को दिखाते हैं नॉन वेज रेसिपी, लेकिन मैंने कहा भाई साहब इस बार फ्राइडे को हम दिखाएंगे वेज रेसिपी, क्योंकि लोगों को संडे को ये वाले छोले तो बनाने ही हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूँ संडे बरार, सॉरी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार, और बनाते हैं एक बढ़िया सी छोले की रेसिपी। मिलते हैं नदिया के उस पार, सॉरी म्यूजिक के उस पार। कॉलिंग एंड एक्शन। अच्छा, बना के रहे हैं लाहौरी स्टाइल बना रहे हैं जी, लाहौरी स्टाइल, क्योंकि कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मे ही नहीं। मतलब कहने की बात यह है कि अगर आपने लाहौर के टाइप का खाना अभी तक नहीं खाया तो खा लीजिए। एक लाहौरी छोले चिकन हमने बनाया था, बड़ा चला, रेसिपी देख लीजिएगा, और बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, डबल बोनस है ये संडे को छोले के साथ नॉन वेज। एनीवेज, छोले लिए हैं सफ़ेद वाले, ये काबुली चने, ठीक है जी। अभी ये जो काबुली चना है इसको आपको सोक करना है, लेकिन अगर आपको लाहौरी स्टाइल बनाना है तो बड़ा वाला, वो डॉलर वाला काबुली चना नहीं लेना, छोटा वाला काबुली चना लेना है। इसका जो स्वाद है वो छोटे काबुली चने से आता है, ठीक है जी। यहाँ हमने ले लिया है बड़ा वाला, बिकॉज हमको लगता है बिगर द बेटर, बट आप वो गलती मत करिएगा, ठीक है जी। चने को ओवरनाइट सोक किया है, पानी उसका निकाल दिया है, कम से कम 8 से 9 घंटे सोक करना है, और ये अदरक मोटा मोटी काट के जी, हरी मिर्च मोटा मोटी काट के, और आप पला करें गार्लिक मोटा मोटी काट के, ये जो इसके बाद डालना है जी इसमें थोड़ा घी उर्फ क्यों, कंजूसी नहीं करनी है। छोले को जब भी उबालना है, एक बेसिक रूल बता रहा हूँ, उसके अंदर घी डालना है, क्योंकि अगर आप छोले के अंदर घी डालेंगे तो जो छोले की ड्राइनेस जो है ना वो कम हो जाएगी, दूसरा छोला जो है वो मक्खन जैसा बटरी हो जाएगा। सो ऑलवेज सिर्फ पानी में नहीं उबालना, थोड़ा बटर या घी डाल देना। अभी डालना जी नमक, जो करे मां ना प्यो ओ करे देसी क्यों, इसलिए पा दो क्यों, पानी और वाटर, दूसरा ये अपना काली इलायची और काली मिर्च, ऐसे कैसे एक बार में लग जाएगा हमसे ढक्कन। डन है जी, ठीक है। तो एक तरफ हमारे छोले उबल रहे हैं, इसको देंगे 2 सीटियां, और क्या करें फिर, मसाला बना लेते हैं। ये जो लाहौरी स्टाइल के छोले हैं ना, इसमें काली मिर्च बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ठीक है जी। कसूरी मेथी, प्लीज लाइए प्लीज, ठीक है जी। ये तो हो गया पेस्ट नंबर 1, अभी बनाते हैं जी पेस्ट नंबर 2। हरी मिर्च, अदरक, गार्लिक, नहीं वो पेस्ट नहीं है, वो वाला पाउडर बनेगा, हाँ पानी नहीं डालना वो मसाले में, पता लगा और हो गया हैप्पी बर्थडे। धनिया की डंडी, गार्लिक, अभी देखिए एक्चुअली क्या है, लाहौरी चने में ना प्याज नहीं जाता, अनियन नहीं जाता, लेकिन घर पे जब लोग बनाते हैं तो डाल लेते हैं, लेकिन आप दुकानों में रेस्टोरेंट में खाएं तो उसमें प्याज नहीं जाता, प्याज से शेल्फ लाइफ कम होती है, चीज़ जल्दी ख़राब होती है। आपको मैं प्याज वाली रेसिपी दिखा देता हूँ, लेकिन ये उतनी ही अच्छी बगैर प्याज के भी बनती है, ये भी बता रहा हूँ आपको। अभी क्या है, प्याज का पेस्ट अलग बनाना है, और ये जो अपनी मिर्च अदरक, ये जो तामझाम है इसका अलग बनाना है। जब पेस्ट बनाएंगे तो चाहे थोड़ा धनिया और डाल दीजिएगा, बाकी गॉड इज़ ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, सारा काम आपसे ही करवाएंगे।
लोगों को इतना प्रॉब्लम है ना कि रणवीर ये एक बात बताओ, ये पेस्ट कौन बनाता है? उनसे मिलाओ, मिक्सी बनाती है पेस्ट। ओके डन। अब भी क्या रह गया साहब? छोले उबलेंगे, योगा होगा, हाँ सब हो गया। एक काम करते हैं, कुछ नहीं है करने को, ऐसे करके मैजिक वाइप होगा और फिर आप जो है वो लेके आएंगे वो, या नहीं मैजिक वाइप नहीं होगा, अभी वो होगा एक शॉट आएगा जिसमें कुकर की सीटी करके ऐसे निकलेगी और फिर मैं वहाँ पे मिलूँगा आपको। एक कच्चा घर, थैंक यू वेरी मच, क्या बात। तीनों पेस्ट, सॉरी एक पाउडर दो पेस्ट रेडी हैं, ध्यान से देख लीजिए। ये आपका प्याज का पेस्ट है, ये आपका अदरक लहसुन हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट है, ये अपना पाउडर है काली मिर्च के साथ में वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का, ठीक है। आमतौर पे मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करता छोलों के लिए, लेकिन क्योंकि मामला लोहरी है इसलिए थोड़ा घी थोड़ा रेगुलर ऑयल ड्राई रेड चिली और सबसे पहले अपना अदरक लहसुन वाला पेस्ट रेडी रखिएगा। हेलो जी, जीरा धनिया ये अपना पेस्ट। अच्छा पेस्ट अगर बना रहे हैं ना तो उसके अंदर थोड़ा तेल डाल लीजिएगा पीसते टाइम, पानी मत डालिएगा, बाद में वो सब पानी सुखाना पड़ता है, दिक्कत होती है। ब्यूटीफुल, ये क्या जी प्याज का पेस्ट। अभी इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नॉर्मली पेस्ट पूस्ट से काम करने में ना मेरे को ये बड़ी टेंशन होती है, पेस्ट को भूनना ज़्यादा पड़ता है, अननेसेसरी डबल मेहनत, मेरे जैसे आलसी आदमी के लिए तो ट्रिपल मेहनत। क्या है ना, दो रेसिपी जो है मैं कहता हूँ हमेशा अंडर रेटेड है, एक तो ये वाली लोहरी टाइप के छोले की रेसिपी और दूसरा चिक्कड़ छोले। चिक्कड़ लिटरली ट्रांसलेटेड एज कीचड़ जैसे छोले। ये दो रेसिपी इतनी अमेजिंगली टेस्टी होती हैं, इतनी अमेजिंगली सेहतमंद होती हैं, लेकिन हम वही पिंडी छोले अमृतसरी छोले जो चलता है उसी को चलाते हैं। ट्राई करिएगा, नेक्स्ट रेसिपी कमिंग सून, चिक्कड़ छोले उर्फ कीचड़ वाले छोले। पेस्ट को भूनने समय बस यही है प्रॉब्लम कि उसको चलाते रहना पड़ता है, पेस्ट जो है पकड़ लेता है ना लग जाता है, इसीलिए मेरे को पेस्ट वाले कामों में टेंशन होती है। तो अभी मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि प्याज भुन गया है, अब डाल दिया उसके अंदर जी हमने धनिया, साथ में डाल दी उसके अंदर हमने हल्दी। भुन नहीं गया है प्याज, बेसिकली कच्चापन मर गया है बस। देखिए धनिया डालेंगे तो धनिया हमेशा पकड़ेगा, है ना, तो धनिया डालने के बाद उसको चलाते रहना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धनिया लगेगा तो खुशबू भी देगा, इसलिए भुनाई चालू रहनी चाहिए। कब तक भूनना है, जब तक कि धनिया के भुनने की खुशबू ना आ जाए और ऐसे तेल ना छोड़ दे मसाला। ये देखिए साइड से तेल छूट गया ना। थोड़ा सा टमाटर और दही, और दही खट्टा होना चाहिए। जब भी छोले बनाए ना तो छोले की मोनोपोली है खटास, अगर दही से नहीं आएगी तो अमचूर से आ जाएगी, अमचूर से नहीं आएगी तो इमली से आ जाएगी, इमली से नहीं आएगी तो नींबू से आ जाएगी, लेकिन खटास ही छोलों की मोनोपोली है, तो इसलिए दही थोड़ा खट्टा रहेगा तो अच्छा है। कुछ चीज़ें जो है ना उनमें खटास चाहिए होती है, बैंगन बनाएं उसके अंदर खटास चाहिए, करेले बनाएं उसके अंदर खटास चाहिए, छोले बनाएं उसके अंदर खटास चाहिए, भिंडी के अंदर हल्का सा टच ऑफ खटास जो है वो फ़ायदा करता है। टमाटर इतना ही डाला है कि बेसिकली बस वो खटास को एक्सेंचुएट करे, थोड़ा बढ़ाए, ज़्यादा टमाटर डालेंगे तो फिर वो ग्रेवी का रंग कुछ और हो जाएगा। ये जो है लाहौरी छोले जो है वो येल्लो में ही होने चाहिए, मोनोपोली इसकी वही है। कुछ लोग ये करते हैं कि जब छोले उबालते हैं तो उसके अंदर हल्दी डाल देते हैं, मुझे नहीं जमता, मैं कहता हूँ कि छोले उबालो, आप छोले उबालते समय घी डालो और जो आप उसके अंदर डाल रहे हो वो डालो, हल्दी जो है उसको भून के ही डालो अलग से, मर्जी है आपकी, आखिर छोले हैं आपके। घी से देखिए क्या चमक आई है, और मेन चीज़ चमक से ज़्यादा मेन चीज़ पता है क्या है, चमक से ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि घी जो है वो छोले के अंदर अंदर घुस गया है, बटरी कर दिया उसने छोले को। दालें इन जनरल और छोले इन पर्टिकुलर रूखे होते हैं, मैं बताते रहता हूँ पर जितना बताओ उतना कम है साहब।
यहाँ दिखाता हूँ, है ना एकदम मक्खन जैसा। मसाले के अंदर भी नमक थोड़ा डाल देते हैं, छोले के अंदर तो नमक परफेक्ट है। अपना तो हो गया भाई साहब लंच का जुगाड़। अभी यहाँ पे क्या है ना, इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो कच्चा प्याज है उसका पेस्ट है, उसको भूनने में ज़्यादा वक्त लगता है। दही है, दही का पानी सुखाना है, उसको भूनना है, वक्त लगता है। कच्चे टमाटर की प्यूरे, ताज़े टमाटर की प्यूरे, वो कैंड प्यूरे नहीं है, फ्रेश टमाटो को मिक्सी में घुमाया तो थोड़ा भुनाई में आपको टाइम लगेगा, लेकिन सब्र का फल चने होता है। जो मर्जी बोल लीजिए, लोहरी चने, लोहरी छोले, ठीक है। फर्स्ट क्लास रंग छोड़ा है, देखिए व्हाट एम आई लुकिंग फॉर। मैं ढूंढ रहा हूं दही की खटास, मैं ढूंढ रहा हूं अदरक लहसुन, उसकी एक लचक, उसका एक हल्का सा खड़ापन। मैं ढूंढ रहा हूँ खास तौर से बड़ी इलायची का जायका और घी, घी की रिचनेस, घी की रजाइत, वो पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। उसके बाद सारे छोले मैंने नहीं डाले, अब तक तो सबको पता है कि क्या होने वाला है। तो ये जो बचे हुए चने हैं इनको ऐसे ही पीस लेना साहब, लगभग फिफ्थ पार्ट, मतलब अगर आधा किलो चना है तो उसमें से सिर्फ 80 ग्राम टाइप ही अपने को पीसना है ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए। दूसरा, ग्रेवी के अंदर इसको पकाना बहुत ज़रूरी है, कम से कम नहीं तो 15 मिनट, नहीं तो सारी मेहनत बेकार है, क्योंकि छोले सिर्फ उबले हैं, ग्रेवी का जायका उनके अंदर नहीं गया, जो मसाला है उसका जायका उसके अंदर जाना ज़रूरी है, ठीक है जी। एक ना मैंने आपको लोहरी दाल दिखाई थी, लोहरी दाल की रेसिपी जो मैं दुबई से चोरी करके लाया था, तो वो भी देख लीजिएगा, बड़ी मज़े की दाल है वो चने की। ये रेसिपी मैं कहीं से चोरी करके नहीं लाया, ये मैं एक्चुअली मैं ये चोरी करके लाया न्यूयॉर्क से, लेकिन बचपन में चोरी करी थी, तब की चोरियां माफ़ हैं, 20 साल के पहले की सारी चोरियां माफ़ हैं। मस्त हो गया, हल्की सी शक्कर डाल रहा हूँ, ऐसे आधे चम्मच से भी कम, सिर्फ दही की खटास को बैलेंस करने के लिए और डिश को एक खूबसूरती देने के लिए, ठीक है जी। बाकी धनिया वनिया चॉप कर लेते हैं और मामला 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। हुन की करिए, हुन कुछ नहीं करना, हुन लेना है रब दा नाम और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल छोले देख के स्माइल करना है, स्माइल, और ऐसे स्माइल करना है कि लोग बोलें कि भाई ये रणवीर तो पागल हो गया, ऐसे ही हंसता रहता छोले देख देख। ये हमारा काली मिर्च वाला मसाला, ये जो है असली रंग देता है इस छोले को, असली टेस्ट देता है, असली जायका देता है, असली ब्यूटी देता है, असली मज़ा देता है, असली फिनिशिंग देता है। अभी यहाँ पर क्या था, मसाला हमने भुना नहीं था, याद है, ड्राई नहीं किया था, रोस्ट नहीं किया था, मसाला ऐसे ही था, तो इसलिए जब डिश ख़त्म हो रही थी उससे 5 मिनट पहले मैंने मसाला डाला है, ताकि इसके अंदर का जो घी है, जो दही का फैट निकला है, उसके अंदर वो मसाला भी भुन जाए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। गैस करो स्लो एंड लेट्स डू द प्लेटिंग। थोड़ा सा घी और ऊपर से, आमतौर पे मैं प्लेटिंग वेटिंग करके खाता हूँ, मैंने कहा इस बार नहीं, इस बार जो है यहीं पर लालच दिलवा दिया जाए। आह क्या बात है, मेन चीज क्या है ना, चटकारा है, लेकिन वो वाला चटकारा है कि दो कटोरी खा जाओ नियत ना भाई, बहुत स्पाइसी खाना बना के ना घर पे नहीं खाया जाता भाई साहब, मुंह जल रहा है, बट आपका दिल भी जलाना ना, इसलिए खा रहा हूं मैं, दिल जलेगा तो बनाएंगे। और एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को।
अच्छा, अगर आप चिकन के साथ नहीं बनाना चाहते तो यही चने आप बना सकते हैं अंडे के साथ। लाहौर में क्या करते हैं, बॉइल्ड एग्स लेते हैं और बॉइल्ड एग्स को ऐसे ग्रेवी में अलग से लपेट के रखते हैं और ये चने के ऊपर उबले हुए अंडे डाल के दे देते हैं। तो अगर आपको छोले और चिकन का कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रहा, आप छोले और अंडे से शुरू कर लीजिए। आपको क्या लगा, हो गया? हम तो अपने ख़त्म करेंगे ना साहब। मस्त है, मस्त बनाएगा ज़रूर। नॉन वेज रेसिपी कुर्बान करके वेज रेसिपी डाली है, संडे को सबके टेबल पे होनी ही होनी ही होनी ही चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।